देवी गंगा के स्वरूप को मेरे सखा श्री कृष्ण ने अपनी कल्पना अपने मन से उत्पन्न किया है, इसीलिए आज से इसे मानसी गंगा के रूप में जाना जाएगा, इसे मानसी गंगा के रूप में जाना जाएगा। वृंदावन में आपका स्वागत है मानसी गंगा। नहीं देवी, मुझे प्रणाम मत कीजिए, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना है, नहीं तो मैया के सामने मेरा पेट खुल जाएगा। ये कैसे संभव है? श्री नारायण चाहे तो सब कुछ संभव है। प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं गंगा आज से मानसी गंगा के रूप में यही बहूंगी, ताकि सारे वृंदावन धाम के वासियों को मेरे जल में स्नान करने का फल मिल सके। श्री नारायण का आशीर्वाद मिलो है, हम स्वयं गंगा मैया का आशीर्वाद मिलो है। चलो सब गंगा मैया का आशीर्वाद ले लेते हैं, अपने पाप धो लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बस बहुत हो चुका है, हर बार मैं पराजित नहीं होऊंगा और हर बार उसे विजय नहीं होने दूंगा मैं। दीपावली के शुभ अवसर में प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए मुझे, मैं धन्य हो गई प्रभु। कल मैंने तुम में महादेव शिव शंकर को देखा और आज प्रभु श्री राम को देख रहा हूं। अपने भक्तों को उसी स्वरूप में दिखाई देता हूँ, मैं वो मुझे देखना चाहते हैं, और अपने शत्रुओं को दिखाई देता हूँ मैं भूत सपना के रूप में। उस विष्णु अवतार को अपने मार्ग से हटाने के लिए कर सकता हूं मैं, कुछ भी उसके लिए, चाहे मुझे अपने घोर शत्रुओं से मित्रता भी क्यों ना करनी पड़े, किंतु उस विष्णु अवतार का वध करने के लिए कुछ भी करूंगा मैं। हमारा तो जीवन ही सफल होगा मैया। सच्ची में कान्हा तू अद्भुत है। केवल अद्भुत ही ना लाली, मेरी मान तो स्वयं नारायण का स्वरूप है कान्हा। मानसी गंगा के बारे में कान्हा को कैसे पता चलो? क्या जे सच्ची में विशेष है या फिर
जैसा कि सब जन कह रहे हैं, कहीं सच्ची में जी श्री नारायण का ही स्वरूप तो ना है। संभालिए प्रभु, इससे पहले कि मैया का संदेह बढ़ जाए। मैया बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडा लग रही है। वो ठंड में ठीक हो जाएगा नन्ना। ओ मेरा नन्ना। मैया गंगा जी का जल जितना शुद्ध है उतना ही ठंडा ही है। कितना भोला भाला है मेरा कान्हा, और सब कह रही है कि जे श्री नारायण का स्वरूप है। जे गोपिया भी ना कछु भी बोल देती हैं, और मैं भी व्यर्थ में इनकी बातों में आके कछु भी सोचने लगती हूँ। बस बस मैया, अब होगो, अब सीधा चलो घर, कोई प्रतीक्षा कर रहा है। पूरा गांव तो यहाँ है लल्ला, फिर घर पे हमारी प्रतीक्षा कौन करेगा? बोलना, कौन प्रतीक्षा कर रहा है? वही जिनके लिए आप द्वार खुला छोड़ के आए हो। मैया लक्ष्मी, चलो अब घर चलते हैं। लक्ष्मी पूजन की तैयारी भी करनी है। वृंदावन की हमारी पहली दीपावली है। समृद्धि की देवी का स्वागत इस प्रकार करेंगे कि सदा के लिए यहीं बस जाए, यहीं हमारे साथ, हमें छोड़कर कभी न जाए। किसी के मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं होगी, कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा वृंदावन में। महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैंने संदेश पहुंचा दिया है। पर वो आपका शत्रु है महाराज, वो यहाँ क्यों आएगा? वो आएगा, प्राप्ति अवश्य आएगा, भले ही मुझसे मित्रता करने नहीं, मेरे दुख में सम्मिलित होने नहीं, परंतु मेरी पराजय का उपहास उड़ाने आएगा वो। इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देगा वो वकासुर। मैंने कहा था ना प्राप्ति, वो अवश्य आएगा, मेरी पराजय का उपहास उड़ाने आएगा। आ गया वो। महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? शत्रु है वो प्राप्ति, महल में भेंट करने नहीं आएगा, मुझे ही जाना होगा किसी ऐसे स्थान पर जहां उसे यह विश्वास हो जाए कि मैं अकेला हूं, तभी तो मुझे घेरने का प्रयास करेगा वो। चमत्कार ही तो है जी, दीपावली के दिन गंगा मैया के दर्शन हो गए, इससे सुबह क्या हो सकता है? पक्षन, मैंने तो बस यही पक्षन बनाए थे, तो जी लक्ष्मी जी के पक्षन भीतर तक कैसे आ गए? किसने करो जे? इसका अर्थ तो जे है ना कि लक्ष्मी जी सच्ची में हमारे घर पधारी हैं। अच्छा होता जी यदि हम यही होते, उनका स्वागत करते, उनकी पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता।